The question is, we have to integrate the function which is tan inverse x over x square plus 1 plus tan inverse x square plus 1 over x between the limit minus 1 to 3. So let's see how we are going to solve the given problem. So चलिए शुरू करते हैं. देखें, सबसे पहले मैं given function को दो parts में break कर रहा हूँ while using the property. मैं चलिए property भी mention कर देता हूँ. Property हमारे पास है a to b fx dx. A to B fx dx is equal to A to C fx dx plus C to B और fx dx के. ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन जिसको आप दो लिमिट्स के बिटवीन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो मैं गिवन क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं. पहली लिमिट हम लोग यूज करेंगे माइनस वन से वन तक, माइनस वन टू वन, और फंक्शन विच इज टेन इनवर्स x over x square plus 1 plus tan inverse, this is tan inverse x square plus 1 over x. तो ये तो फर्स्ट पार्ट की लिमिट है, या फर्स्ट पार्ट हमने जो ब्रेक किया है वो हिस्सा है, और सेकेंड आपकी लिमिट जाएगी 1 से लेके 3 तक, दिस इज 1 टू 3, एंड द फंक्शन इज tan inverse x over x square plus 1 plus tan inverse, this is x square प्लस वन बाई एक्स और ब्रैकेट ऑफ इनटू डीएक्स के. तो ये दो पार्ट को फाइनली हमें सॉल्व करना है. अब एक और पॉइंट है जो आपको आईटीएफ में आपने स्टडी किया होगा कि ये जो टेन वर्स एक्स फंक्शन है, टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन होता है. मतलब टेन वर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. दूसरा, एक डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप किसी भी ऑड फंक्शन को माइनस ए टू ए के बिटवीन इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, किसी भी ऑड फंक्शन को माइनस ए टू ए बिटवीन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल होती है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो. एक्चुअली दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर ऑड फंक्शन. अगर फंक्शन ऑड है तो वो इस कंडीशन को मेंटेन करता है. अब जिस फंक्शन पे मैं अभी काम करने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए. ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, टेन वर्स एक्स ओवर मैं लिख देता हूं. चलिए, तो मैंने एक नया फंक्शन लेट कर लिया है कैपिटल एफ एक्स, एंड दिस इज योर टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स के. अगर मैं गिवन फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो ये हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर माइनस एक्स के. एंड व्हाइल यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट टेनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस ऑफ टेनवर्स एक्स, दैट इज टेनवर्स माइनस एक्स इज योर माइनस टेनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को, कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेन इनवर्स, दिस इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स एंड ब्रैकेट ऑफ, या फिर वी कैन से दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज योर माइनस ऑफ एफ एक्स. इट मींस ये जो पहला पार्ट है बिटवीन द लिमिट माइनस वन टू वन, ये जो पहला पार्ट है ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन को अगर आप माइनस वन टू वन इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन माइनस ए टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो द वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. तो पहला पार्ट तो आपका जीरो हो चुका है, इसमें कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है. लेकिन स्टिल 1 टू 3 के बिटवीन ये फंक्शन बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी मेंशन कर लेते हैं. तो 1 टू 3 एंड द फंक्शन इज टेन इनवर्स x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये पहला पार्ट था, और अगला पार्ट हमारे पास था टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x ब्रैकेट ऑफ इनटू dx के. अब एक और प्रॉपर्टी, अगर टेन इनवर्स एक्स की बात करें, तो ये बराबर होता है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स के, बट दिस इज ऑनली ट्रू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं. तो ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं कि जिस लिमिट में आप काम कर रहे हैं वो वन टू थ्री है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं वन टू थ्री टेन इनवर्स, दिस इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉट इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स. ठीक है, अब एक और रिजल्ट है जो आपने आईटीएफ में स्टडी किया होगा, एंड द रिजल्ट इज टेन इनवर्स एक्स
प्लस कॉट इनवर्स एक्स एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा डाटा आपको नजर आ रहा है आप इसे पाई बाय टू से डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे आप इसे पाई बाय टू से रिप्लेस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 to 3 इंटू डी एक्स के, और इन केस अगर मैं इस फंक्शन को आप फर्दर इंटीग्रेट करूं तो दिस इज पाई बाय टू और ये बनेगा एक्स जो कि 1 और 3 के बिटवीन आपको लिमिट सबमिट करनी है, एंड दिस इज पाई बाय टू इंटू टू, टू से टू कैंसिल हो गया एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू पाई।